100% जॉब गारंटी के साथ नौकरी पाने का आपका सपना होगा पूरा, क्योंकि डिफिसेट एकेडमी आपको देने जा रहा है ये मौका, एसोसिएटेड विद UGC एंड AICTE अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी। इस एकेडमी में MSBTE से ADIS कोर्स कराया जाता है। हमारे सभी सफल छात्र बड़ी कंपनियों में कर रहे हैं जॉब। एकेडमी में हो चुकी है नए बैच की शुरुआत, तो फिर देर क्यों, आज ही संपर्क करें। हमारा पहला ब्रांच रामराजे मोड़ सिवान, दूसरा ब्रांच गुठनी मोड़ VIP टाइल्स के समीप स्टेशन रोड मैरवा और तीसरा ब्रांच कमल मार्केट भगवान बाजार छपरा है। अंदर की मजबूती ही असली मजबूती होती है, जैसे सलूजा गोल्ड TMT सरिया, क्योंकि सिर्फ यही है 24 कैरेट गोल्ड की तरह असली स्टील से बना, जो दे आपके निर्माण को बेमिसाल मजबूती अंदर से। सलूजा गोल्ड TMT सरिया, गारंटी असली स्टील की, गारंटी मजबूती की। जाप सुप्रीमो पप्पू यादव ने AIMIM नेता आरिफ जमाल हत्याकांड को लेकर सिवान पहुंचे। पप्पू यादव ने हुसैनगंज के कुतुब छपरा गांव में आरिफ जमाल के पीड़ित परिजनों से मुलाकात कर शोक व्यक्त किया है। पीड़ित परिजनों ने घटना की जानकारी लेने के बाद हर संभव साथ देने का भरोसा दिलाया। उन्होंने घटना को अंजाम देने वाले गिरफ्तार अपराधियों को स्पीडी ट्रायल चलाकर सजा देने की मांग की है। इस दौरान पप्पू यादव सरकार और मीडिया पर खूब परसे। पप्पू यादव ने कहा कि यह घटना झकझोर देने वाली है। अपराधियों ने मासूम बच्चों के सामने उसके पिता की हत्या कर दी। बच्चे अगर उस वक्त छुपे ना होते तो उनकी भी मौत हो गई होती। वही सरकार गूंगी, बहरी और अंधी हो गई है। इसके साथ ही मीडिया भी कम दोषी नहीं है। मीडिया अपराधियों की गणेश परिक्रमा करती है, अपराधियों को हीरो बना देती है। गौरतलब है कि एक दिन पूर्व देर शाम को जब आरिफ जमाल अपने फास्ट फूड के दुकान पर खड़े थे, तभी करीब 3 की संख्या में आए बाइक सवार अपराधियों ने आरिफ जमाल पर गोली चला दी थी। गोलीबारी में एक गोली आरिफ जमाल के पेट में लगी थी। इस दौरान इलाज के क्रम में आरिफ जमाल की मौत हो गई। वहीं इस मामले में हत्याकांड में शामिल 2 अपराधी को पुलिस ने हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया है, जिसने सिवान जेल में बंद कुख्यात अपराधी ऋषु पांडे के इशारे पर आरिफ जमाल की गोली मार कर हत्या की थी। फिर क्या हुआ? आप भाग गए। सब इन्हीं के सामने हुआ टोटल। ये तो बच्चा दुकान के पीछे जाके छुप गया जब ऐसा चीज देखा था। चुप है, इसको मैं मार देता सब। देखिए, पहले तो जो इलाका है, सिवान है, छपरा है, गोपालगंज है, ये कोई नया नहीं है। रक्त रंजित और रक्त चरित्र इस इलाके का एकदम समझिए कि नेचर ऑफ वे हो गया, वे ऑफ नेचर इसको कहा जाए। मतलब समाज का जिस तरीके से है, समाज को आप कम दोषी मत मानिए। समाज ऐसे लोगों को, माफिया अपराधी टाइप के लोगों को इस इलाके में तवज्जो बहुत ज़्यादा देती है। अपराधियों को, माफियाओं को हीरो बनाती है समाज। उसको आम लोग, अच्छे लोग यहाँ सर्वाइव कर ही नहीं सकते। लोगों को लगता है कि शॉर्टकट रास्ता यही है हमारा। राजनीति का, सामाजिक जीवन जीने का अब कोई अच्छा रास्ता नहीं बचा इस बिहार में। तो अब सब लोगों की स्थिति यही है कि जितना अधिक बालू, शराब, जमीन ऐसे माफिया गिरि में इन्वॉल्व रहो, जितनी हत्याएं कर सकते हो करो, और कौम का सिरताज, धर्म का, मजहब का, जात का सिरताज बन जाओ। और इसको सोसाइटी ही प्रोटेक्ट कर देती है। अब बाद में ऐसे लोग बच जाते हैं समाज के चलते। हमेशा कितना गाली दी तो अलग बात है कि कानून का कोई डर तो रह नहीं गया, इकबाल तो कोई है नहीं। न समाज का इकबाल है, न सिस्टम का इकबाल है, न कानून का डर। हालात ऐसे नहीं है ना। और उसके बाद कई घटना, एक घटना थोड़ी हुई,
बॉम्ब लॉन्चिंग भी थी उसमें भी आए थे, एक जगह मर्डर हुआ था उसमें भी आए थे। लगभग अब तो थक गए मौत का सिलसिला देखते देखते देखते। हर दिन कोई ना कोई परिस्थितियों के कारण आज एक दरोगा को पटना में गोली मार दी गई, जमुई में दरोगा पर गाड़ी चढ़ा दिए गए, आप ही के इलाके में अग्निवीर के लोग शहीद हो गए, कोई देखने वाले नहीं, नवादा में हो गए, सिवान में हो गए, कोई पूछने वाला नहीं। जितनी घटनाएं बड़ी घटी, जब शहाबुद्दीन साहब जैसे लोगों को कोई सम्मान नहीं मिला, जब वो चेक एंड बैलेंस कर पाते थे, जब उत्पात होती थी जमींदारों और कमजोरों के बीच, वहाँ वो जाते थे, ऐसे लोगों को जब लोग भूल सकते हैं, समाज के लोग, जिन सिस्टम जिन लोगों के लिए किया वो लोग, बगल में आप देखिएगा तो आपको आश्चर्य होगा, प्रभुनाथ भाई है जिनकी सामाजिक भूमिका रही, राजनीतिक रूप से सबसे उनके अच्छे संबंध थे, समाज भी भूल जाती है और सिस्टम भी भूल जाता है, उसके बाद तो कुछ हो नहीं पाता। तो लगातार जो हालात हैं और उसमें जो घटना घटित हुई, जो हमारे अध्यक्ष थे, जो जिस तरीके से इनका राजनीतिक लगातार ये आगे बढ़ रहे थे, लोगों में इनकी लोकप्रियता जिस तरीके से बढ़ रही थी, तो कोई निजी कारणों से मुझे हत्या का मतलब नहीं दिखता। लेकिन मैं तो चाहूँगा कि इसको SIT जांच हो, इसके मौत के पीछे किस किस की साजिश है, उसके उस गुनाहगार को भी निकाला जाए। कोई शूटर तो आके सिर्फ मार नहीं दिया होगा, कोई ना कोई सरकमस्टांसेस तो हैं ही इस घटना के पीछे। तो CCTV फुटेज से लेकर मैं समझता हूँ कि उस वक्त आधे घंटे के अंदर वहाँ, यह तो हम तुरंत निकाल सकते हैं कि कौन कौन मोबाइल का लोकेशन टावर वहाँ था। तो हमको तो उस मोबाइल लोकेशन टावर पर हम लोग को तुरंत पता चल जाएगा कि किसने मारा और क्यों मारा, काहे मारा। तो इतने देर में सर प्रशासन कर क्या रही है? प्रशासन को शराब की उगाही, बालू उगाही, अन्न उगाही, जमीन की माफियाओं के साथ घूमने से फुर्सत होगा तब ना सब लोग इन्वॉल्व है। और जनप्रतिनिधि को ऐसे हत्यार मौत से कोई मतलब ही नहीं है। जनप्रतिनिधि को लगता है कि ऐसी घटनाओं से ना वोट मिलना है ना सियासत करना है। वोट तो स्वाभाविक रूप से गठबंधन होती है, जात पात होता है, हिंदू मुसलमान होता है, जहियन कहाँ हम जाए ना जाए, हम लोगों के सरकार की बात करें ना करें, जरूरत की बात करें ना करें, लोगों की मदद करें ना करें, लोगों के लिए न्याय करने की हमारी औकात हो ना हो, किसी जनप्रतिनिधि को क्यों नहीं होती है? अपराधी छोटे बच्चे हैं, मासूम हैं, मुआवजा को लेकर पहले तो मैं बात करूं सिस्टम ना, आप तो हर बार करियत कैसे होगा जी? बढ़िया सर, पहले तो मैं बात करूं कि इसकी जांच, इस हत्यारे को तो मुआवजा की बात हो, पहले तो हम उस पर चर्चा करेंगे ना कि इसके मर्डर कैसे हो, इसके पीछे कौन थे, लोग मरते जाएं और मुआवजा दे करके अपराधी को छोड़ते जाया जाए, मुआवजा के लिए थोड़ी पैदा हुए हम खीरा का गरीब। ये सरकार का दायित्व है, सरकार बच्चों को पढ़ाए, सरकार कम से कम उस परिवार की सुरक्षा की व्यवस्था सरकार करे। हम तो अभी SFL जांच से लेकर के SIT जांच से लेकर के हम तो चाहेंगे कि पहले ये छोटी घटना थोड़ी है, ये तो चैलेंजेबल है। इसको भूलने की बात नहीं है, इसको भुलाया थोड़ी जा सकता। सर पप्पू ने यादव जैसा जुझारू नेता अगर कह रहा है कि सिस्टम के आगे अब वो भी थक गए हैं, वो भी नेचुरल है ना, क्या करें भैया, आपके सिवान में आते आते तो थक ही गए है ना, सिवान, गोपालगंज, छपरा, कभी उसको गाली दो, कभी उसको मारो, कभी उसको काटो, कभी जाति के आधार पर
कभी हिंदू मुसलमान के आधार पर नंगा करो, बट नेचुरल है। नेता लोग मस्त है, उन लोगों को लगता है कि ये लोग जहियन कहाँ जात जाएंगे, कहाँ कौम जाएंगे, कहाँ वोट तो इनको पड़नी है, वोट आनी ही है। नेताओं के भीतर डर होगा तभी तो कोई खौफ पैदा होगा तो सिस्टम सुधरेगी। डायरेक्ट ये एलिगेशन सरकार पर लगा रहे हैं कि सरकार को जो है शराब से की माफियों से फुर्सत मिली तब पदाधिकारी लोग ऊपर से नीचे पैसा वसूली। जमीन में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है? जमीन में यहाँ के MLA MP मंत्री संतरी लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं, और यहाँ के मंत्री संतरी स्पीकर से लेके किसी को इन सब घटनाओं से मतलब रहता है? अग्निवीर में आप हमको बताइए ना, अग्निवीर में इतने लोग मर गए, एक लोग मरे ना, उसकी शहीद की गिनती हुई ना, उसको नौकरी मिलेगा ना, उसको कोई प्रोटोकॉल मिला और ना पैसा की मदद हुई। एक भी जनप्रतिनिधि नहीं थे जो जा करके 50,000 लाख रुपया मदद करते, उसके बच्चों को पढ़ाने की बात करते। मैं तो चाहूँगा ही सरकार यदि एक्सीडेंट में 4 लाख रुपया देती है तो ये तो छोटी घटना है नहीं, दोनों घटना बिल्कुल समझिए कि एकदम मतलब झकझोर देने वाली घटना है। इसको मैं क्या मानूं, एक मासूम बच्चे के सामने 3-3 गोली आए और वो बात ही कर रहे थे, मासूम बच्चा देख रहा था, उसके बच्चे ना छुपे होते तब तो बच्चे भी गए। 3 मासूम बच्चे हैं, उनके सामने मौत हुई, सरकार ना ट्वीट करती है, ना बोलती है, ना चलती है, ना देखती है, ना सुनती है, ना बोलती है। गूंगा भी है, बहरा भी है, अंधा भी है, सिस्टम इतना अंधा बहरा काना कैसे हो गया है? ये लोग अंधा बहरा काना सब एक ही जुटान हो गई है। पप्पू जी, अपराधियों घटनाएं बढ़ रही हैं, अपराधी जेल में जाते हैं और फिर वो छुट्टी चले जाते हैं, क्या पुलिस जो है वो बेहतर जो है कि आप ही लोग तो अपराधियों के गणेश परिक्रमा करते रहते हैं, चैनल जुटा देते हैं, हीरो बनाते रहते हैं। आप लोग कम दोषी नहीं, थोड़े नहीं है, ये मामूली दोषी है। न्यायालय में 3 महीना में चार्जशीट नहीं दीजिएगा तो न्यायालय छोड़ देता है। न्यायालय गंभीर मामले में भी जिस तरीके से 3 महीना में शूटर लोग की बेल हो जाता है तो उन लोगों का तो मनोबल बढ़ा हुआ है, क्योंकि जो सिस्टम है वो चार्जशीट दे करके यदि स्पीडी ट्रायल नहीं करेगी तो कोर्ट कितना दिन रखेगा? 5 साल। तो स्पीडी ट्रायल इसमें करिए ना, 3 महीना के अंदर स्पीडी ट्रायल करके सजा दिलवाइए। तो सर दोषी कौन है, कौन कराएगा? सिस्टम जनता। सरकार में इतनी हत्याएं क्यों हो रही है? नहीं, कौन सी सरकार में हत्या, जब डबल इंजन की सरकार केंद्र में थी तो कितनी हत्याएं में हम यहाँ आए? सरकार को तो कल ही आना चाहिए था, यहाँ तो मंत्री भी हैं, स्पीकर हैं, सब लोग हैं, MLA हैं, नहीं है। सर, आरिफ जमाल के हत्या के बाद एक मामला और सामने आया था जिसमें स्वास्थ्य विभाग की जो है कि पोल खुली हुई थी, सदर अस्पताल में डॉक्टर मौजूद नहीं थे, बिहार के उप मुख्यमंत्री शिवन ढाला के बाहर रहने की वजह से भी जान चली जाने की। भैया मेरे, ये घर इसका इलाका लालू यादव जी का है ना, हो गोपालगंज, छपरा, सिवान। भैया कम से कम हम तो यही चाहेंगे कि डिप्टी CM साहब अपने घर के अस्पताल को आप मजबूत बना लीजिए ताकि लोगों को पटना जाना ना पड़े, लोगों की जान को छोड़ दीजिए लंबी। पूछा है पटना में तो ट्रॉमा सेंटर है नहीं, पटना में तो ट्रॉमा सेंटर है नहीं, क्यों नहीं है? पटना में तो अल्ट्रासाउंड CT scan MRI है नहीं, बड़े बड़े पक्का का मेडिकल कॉलेज बन गया उसमें तो डॉक्टर है नहीं, तो सर उसमें नहीं? क्यों नहीं है? जनता पूछती ही नहीं है क्यों नहीं है, जनता कहती है आइए और हिंदू मियां करिए और हम खटाखट वोट दे रहे हैं, 500 रुपया दीजिए। ये दलित लोग कहते हैं कि हमको कुछ मत दीजिए, हमको आप 500 रुपया 1,000 रुपया दे दीजिए, हमको 5 किलो अनाज दे दीजिए, हम मस्त हैं। तो जब 5 किलो अनाज पर वोट पड़ेगा, 84 करोड़ आदमी को मोदी जी कहते हैं कि हम अनाज देते हैं, और गरीब दलित लोग कहता है कि हमको अनाज मिला ना हो हम वोट दे देते हैं, तो ये जो
जनता को क्यों आप नहीं कहते हैं? जनता इसके सबसे बड़े दोषी हैं भाई। जनता अपने बच्चों के बारे में सोचता है, जनता अपने बारे में सोचता है, जनता सोचता है मोदी जी के बारे में, लालू यादव के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में, पप्पू यादव के बारे में, एमपी कौन बनेगा, एमएलए कौन बनेगा, मुखिया कौन बनेगा। उनके घर में 4,000 रुपया का इनकम है नहीं, उनको बच्चे उसके तालीम कर नहीं रहे, आगे बढ़ नहीं रहे, उसकी गहरी चिंता नहीं है। उनको चिंता है कि देश का पीएम कौन बनेगा, बिहार का सीएम कौन बनेगा। पहले अपनी चिंता तो जनता करे, तो जनता तो अपनी बात तो अपनी चिंता करता नहीं, वो करता है एक दिन में दो। उसके बाद हम तो जितना मौत में आए हम सब दिन कहते हैं, एक सप्ताह के बाद फिर यही दो ठो भाई, भाई भी हो सकता है अलग हो करके बच्चे अलग हो जाएं, जो सच्चाई है मैं इतने जानता हूँ। तो सर क्या राजनीति सिर्फ होगी आरिफ जमाल के मौत पर या वाकई सर राजनीति? आज तक तो राजनीति ही होती है, हत्या होती रहेगी और पप्पू यादव ऐसी आती जा रहेगी। सर पप्पू यादव, पप्पू यादव तो न्याय ही देखे गया है, बकवास मत करिएगा। हम जहाँ आए हैं वहाँ न्याय हम वो जस्टिस करके और हम इसको मॉनिटरिंग करते हैं। सर हमको ना कोई पार्टी पौवा ना राजनीति आती है। आखिरी सवाल सर यही रहेगा कि मासूम बच्चे हैं क्या इन लोगों? मैं तो आखिरी सवाल आपका रहेगा, मेरा पहला सवाल है स्पीडी ट्रायल, उसको फांसी। दूसरा सवाल है इसके मरवाने के पीछे कौन लोग हैं। चौथा सवाल है इसको किसी भी कीमत पर 20 लाख से मुआवजा मिले और तीनों बच्चों को सरकार किसी भी कीमत पर, बिना मैं चाहूंगा कि इस तीनों बच्चों की पढ़ाई हम लोग बात कर लेंगे उनके भाई से, और इनके तीनों बच्चों को हॉस्टल में जहाँ भी ये पढ़ना चाहेंगे मेरी ओर से तो भाई इनको पढ़ाई के लिए पूरी मदद होगी। और मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि हर कीमत पर सरकार को इतने बड़े संवेदनशील घटनाओं में बिना पूछे उनको 72 घंटे के अंदर चार्जशीट दाखिल करके आगे की कार्रवाई करनी चाहिए। इनको तो 3 महीना लग जाता है शूटर खोजने में। तो इसीलिए प्रेशर बनाएंगे सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। सर ये सामाजिक जिम्मेदारी भी बनती है और मैं उम्मीद करूंगा कि इस परिवार के साथ पूरे समाज को खड़ा होना चाहिए और समाज के लोगों को सड़कों पर उतर करके जमाल साहब के मौत की घटनाओं को लेकर, उस परिवार के जस्टिस को लेकर के हम लोगों को आवाज़ उठानी चाहिए और मिल के हम लोग आवाज़ उठाएंगे। इन मुद्दों पर हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं, चाहे जमाल साहब का घटना घटी हो, चाहे अन्य। जमाल साहब तो समझिए हम लोगों के लिए जिस तरीके से वो काम कर रहे थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण था, और ख़ास तौर पर समाज, अपने समाज में वो जिस तरीके से आवाज़ उठा रहे थे उनके ज़रूरतों को, उनकी चीज़ों को, इस पर जमाल साहब के साथ पूरी सोसाइटी को खड़ा होने की ज़रूरत है, उसे भूला नहीं जा सकता है और न्याय के लिए हम लोग को आगे बढ़ना चाहिए। पप्पू जी आपने कहा कि हम शुरू से ही लगते हैं और न्याय दिलाते हैं। फतुलही में जो अलाउद्दीन की हत्या हुई थी जिसमें आप पहुंचे थे, उन्हें 25,000 रुपये आपने दिया था और आपने कहा था कि एसपी से ही बात किया था आपने, सीओ से कि जमीन मिलेगा, लेकिन अभी तक तो उस परिवार को जमीन नहीं मिली। मैं वही बात आपसे कह रहा हूँ कि रेवेन्यू मिनिस्टर भी तो आरजेडीए का ना है और आरजेडीए का ना वोटर आज तक रहा है। आज जमीन के बारे में तो आपके सामने ही ना बात किए थे, न्याय की बात तो पप्पू यादव यही ना कही कि हमसे आप मेरे जीवन में हैं, हमारे जेब से आप और हमारे ताकत से किसी परिवार की मदद आप तुरंत करवा लीजिए। जस्टिस के लिए तो हम लड़ते ही हैं ना, मेरा कहना है कि अंतिम तक हम उसको मॉनिटर करते हैं। अच्छा, जिसको नहीं मिला उसकी भी तो जिम्मेदारी बनती है फिर पप्पू यादव से मिलके उस पर काम करवाने की। जी बात भी हुई थी तो, और जिला अध्यक्ष हमारे और सभी राजनीतिक पार्टी कल मौत बैठ जाए तो उसमें आप हमको क्या बताइए ना। हम तो इन लोगों को तो किसी को पता भी नहीं था, हमारे तो महासचिव जी ने हमको कहा कि सिवान प्रेमचंद जी की सिवान चलना जरूरी है, हमारे नेताओं ने यहाँ कोई नहीं बुलाया, मैं अपने मन से आया हूँ भैया। हिम्मत समझिएगा कि हमको कोई बुलाया, किसी ने खबर की, इस परिवार के लोगों ने खबर किया, ऐसा कुछ नहीं है। तमा फेफड़ा कैंसर टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी चेस्ट एंड हार्ट केयर क्लिनिक है एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट चकिया रोड सिवान।
और जो यहाँ के राजनेता हैं या प्रशासन है सीधे कहते हैं कि जमीनी विवाद है, जमीन माफिया है या घरेलू विवाद है, लेकिन इसको उलझा करके और ख़त्म कर दिया जाता है, क्योंकि जेल, बेल और खेल ये तीनों सिवान की प्रशासन करती है। इसमें कोर्ट भी दोषी है, क्योंकि पुलिस अपराधी को पकड़ करके कोर्ट को पेश करती है और अपराधी आराम से सुकून से जेल में रहते हैं, ऐश की ज़िंदगी जीते हैं और बेल पर आते हैं और फिर अपराध की घटनाएं घटती है। बिल्कुल डर ख़त्म हो गया है और जो जमाल साहब, आरिफ जमाल साहब बिल्कुल ही गरीब तबके के व्यक्ति थे, एक फास्ट फूड की छोटी सी दुकान खोले हुए थे, मेरे गांव के हैं, मैं उनको बचपन से जानता हूं कि नहायती शरीफ इंसान थे और सभी पार्टी के दल के लोगों से मिलजुल करके एक अच्छा सामाजिक कार्यकर्ता का जिम्मेदारी निभा रहे थे। अब ये जो लोग इसमें शामिल हैं, मैं कानून से यही कहूँगा कि इनको सख्त सजा सो, और बिल्कुल मैं नीतीश जी से आग्रह करूँगा कि योगी मॉडल यहाँ लागू करें। जब तक योगी मॉडल नहीं होगा तो ये जेल, बेल और खेल चलता रहेगा। लोग ये कह रहे हैं कि बिहार में जो है कि भाजपा की सरकार आनी चाहिए, क्योंकि भाजपा वाले जो हैं वो तुरंत बुलडोजर और इनकाउंटर का काम। तो आप तो देख रहे हैं ना, आप तो उत्तर प्रदेश को देख लीजिए, सबसे बड़ा माफिया राज था, आज उत्तर प्रदेश का हालात देख लीजिए। अभी आप देख लीजिए कि राजस्थान में भी शूट एंड साइट ऑर्डर हो गया है। हम तो एसपी साहब महोदय से भी कहेंगे कि हम अगर वो लोग डर रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स इन पर ये ऑब्जेक्शन करेगा, ये करेगा, तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि पूरी सिवान की आवाम, दो चंद लोगों के वजह से पूरी सीमान की आवाम प्रशासन के साथ है। उनका शूट एंड शाइड होना चाहिए, उनको योगी मॉडल लागू करना होगा बिहार में, तभी जा करके बिहार हमारा सुकून से। जैसे कि आरिफ जमाल साहब का जो केस था, तो इसमें इनके परिवार के लोग का कोई ना दुश्मन था, ना कोई ज़मीनी विवाद था, ना कुछ था, तो इसलिए इन लोगों ने क्या हुआ, क्या होता क्या है कि लोग निर्दोष लोगों को पुलिस पकड़ करके जेल भेज देती है, दोषी बाहर रहते हैं, और दोषी जब बाहर रहते हैं तो निर्दोष को कोर्ट को छोड़ना लाजमी हो जाता है, इसलिए वो निर्दोष को छोड़ देते हैं और जो दोषी है वो फिर वो दुनिया में आ जाता है। पुलिस ऐसा क्यों करती है कि मतलब आपके कहने के हिसाब से पुलिस जो है कि मुजरिम जो है, जो हत्यारा है, उसे नहीं पकड़ के किसी अन्य व्यक्ति को पकड़ करके पुलिस जेल भेज देती है? देखिए, ये तो अनुसंधान का चीज़ है, हम तो इस पर ज़्यादा नहीं कहेंगे, लेकिन जो अगर पुलिस अगर स्टिक होती, अपराधियों को पैर में गोली मारती, उनका शूट एंड शाइट ऑर्डर करती, तो दहशत होता। मैं चाहता हूँ कि नीतीश जी, काश वो 2005 से 10 वाला सरकार जो जैसे वो चला रहे थे वैसा चाहिए, और सिवान में SDPO सुधीर कुमार के तरह SDPO और SP होना चाहिए सुनील कुमार के तरह, के बिल्कुल स्टिक ले, चाहे वो कितना बड़ा ही रसूखदार आता अपराधी क्यों ना हो, उसको शूट एंड साइड होगा तभी जा करके, मतलब समझ लिए कि क्राइम ऑफ कंट्रोल होगा, नहीं तो सिवान राजेंद्र बाबू और मजुलहक साहब की धरती के को बदनाम कर करके और बदनाम हो जाए।